एक ब्रेकिंग न्यूज, बेंगलुरु धमाके पर जांच एजेंसियों ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। बाजार से केमिकल खरीदकर बम बनाने की आशंका जाहिर कर दी है। कंप्यूटर पर वीडियो देखकर बम बनाने का बहुत बड़ा दावा किया गया है। धमाके का मकसद दहशत आतंक फैलाना था। अब इसी एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये ब्रेकिंग न्यूज है। आपको याद होगा बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे में धमाका हुआ और उसके बाद से ही इस दिशा में जांच पड़ताल शुरू हो गई कि आखिर इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या कहता है। ओपी तिवारी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी, क्या ये डायरेक्शन कहता है, अब कैसे इसकी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जाएगा, पूरी खबर को लेकर अपडेट बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि रामेश्वरम कैफे में जो ब्लास्ट हुआ है उसके तार से तार जोड़ने का काम शुरू हो चुका है और अभी तक की जांच के दौरान जो बात सामने आई है उसके मुताबिक हमलावर ने जो विस्फोटक जिसने रखा उसने संभवतः या उसके साथियों ने इस कैफे की पूरी तरह से रैकी की होगी, क्योंकि आईडी जिस जगह पर रखा गया था वहां पर बहुत कम लोग आते हैं, वहां पर हाथ धोने के लिए लोग आते थे, भीड़ वहां कम रहती थी, लिहाजा उसे वो सबसे जगह ज़्यादा मुनासिब जगह लगी होगी और उसने आईडी वहां पर रखा होगा। दूसरी अहम बात यह है कि जो विस्फोटक था, जो आईडी बनाई गई थी, वो बाजारों में मिलने वाले केमिकल से बनाई गई थी और इसमें अमोनियम नाइट्रेट समेत जो गन पाउडर है और जो दूसरे बाजारों में आसानी से मिलने वाला केमिकल है उनका यूज़ किया गया होगा। हालांकि जांच से जुड़े एक आला अधिकारी ने कहा कि इस मामले में एफएसएल रिपोर्ट के बाद ही आधिकारिक तौर पर कुछ कहा जा सकेगा, लेकिन आरंभिक जांच के तौर पर यह सामने आया है कि अमोनियम नाइट्रेट समेत बाजारों में मिलने वाले केमिकल से इस आईडी को तैयार किया गया होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में आईएस से जुड़े लोगों की धरपकड़ की जा रही है, क्योंकि ऐसा ही सिमिलर विस्फोट बेंगलोर में इसके पहले भी हुआ था और ऐसी ही मॉडल ऑपरेंडी वहां पर अपनाई गई थी। लिहाजा जांच एजेंसियों का मानना है कि आईएस से जुड़े मॉड्यूल हैं वो इसके पीछे हो सकते हैं और इसके पीछे एक व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों का भी हाथ हो सकता है। अभी तक जांच एजेंसियों ने कुछ लोगों को संदेह के तौर पर अपनी हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विस्फोट रखने वाला वह शख्स था उसे अच्छी तरह पता था कि इस यहाँ पर जो है सीसीटीवी कैमरे रखे हुए हैं लगे हुए हैं और उसने उनसे बचाने के लिए खुद के पूरा उपाय किया हुआ था। उसने अपना चेहरा ढका हुआ था और तमाम वो सावधानियां उसने अपनाई थी जिससे उसका चेहरा डायरेक्ट तौर पर पकड़ में ना आ सके, लेकिन फिलहाल जांच एजेंसियां उस चेहरे को डिकोड करने में लग गई हैं, साथ ही आईएस से जुड़े लोगों की धरपकड़ जारी कर दी गई है। जी ओपे, लेकिन ये तो इस लिहाज से भी बड़ी खबर है कि अब जिन लोगों से पूछताछ की जा रही है ये खुलासा होना भी बहुत जरूरी है कि कहीं उनके टारगेट पर आसपास के कोई और इलाके तो नहीं थे या फिर देश में कहीं और इलाके, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी हो सकता है अगर ये एंगल सामने आ रहा है इस पूरी खबर में तो। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि आप अगर देखें तो वहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसके पहले भी आईएस से जुड़े लोगों को पकड़ा है जो कर्नाटक, बेंगलोर और उसके आसपास के इलाकों में लगातार बम धमाके करते रहे हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोग विदेशों में जाकर ट्रेनिंग भी ले लेते हैं और इसके अलावा कंप्यूटर के जरिए भी ये लोग ट्रेनिंग लेते हैं। इन लोगों का मकसद केवल कर्नाटक, बेंगलोर या चेन्नई नहीं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में जो है आतंक फैलाना होता है। जांच एजेंसियों का स्पष्ट तौर पर मानना है कि जो बम विस्फोट किया गया उसका मकसद आतंक फैलाना था, उसका मकसद लोगों को मैसेज देना था, ये मैसेज देना था कि अगर वो यहाँ अगर उन पर कभी भी आतंकवादी संगठन हमला कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है जिस जगह पर ये हमला हुआ वो स्पेसिफिक जगह है और एक स्पेसिफिक लोगों के लिए जानी जाती है। जी ठीक।